लखनऊ पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, चुनावी अभियान का किया आगाज, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। ललितपुर पहुंचे प्रियंका गांधी, मृतक किसान भोगीपाल के परिजनों से की मुलाकात, परिवार को हर संभव मदद का दिया भरोसा। सहारनपुर में कर्मचारी शिक्षक अधिकारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग, मांग पूरी न होने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, महिला समेत 9 लोग घायल, 4 की हालत ज्यादा नाजुक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। गृहमंत्री अमित शाह शुक्रवार को लखनऊ पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज किया है। इस दौरान उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सहित चुनाव से प्रभारी और संगठन प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहे। तो लखनऊ पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह, यहां पर एक जनसभा को भी संबोधित किया है, साथ ही साथ चुनावी अभियान का आगाज भी कर दिया है। देश के कई हिस्सों में ईसाई समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर चिंता जताते हुए भोपाल के आर्क बिशप एलआईओ कार्निलियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने ईसाइयों के खिलाफ बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की है। आर्क बिशप द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र में कहा गया है कि मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश जैसे बीजेपी शासित राज्यों में ही नहीं, बल्कि कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों में भी ईसाई समुदाय का उत्पीड़न हो रहा है। ईसाई सभी जगह एक जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। इस मामले में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप करने और न्याय दिलाने की मांग की है। आर्क बिशप कार्निलियो ने भोपाल के हुजूर क्षेत्र के बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायक ने एक भाषण में हिंदुओं से अपील की है कि फादर और चादर से दूर रहो। इस बात पर सीधा जोर दिया है कि ईसाई और मुसलमानों से संपर्क हिंदुओं को नष्ट कर देगा। मामले में मध्य प्रदेश में कैथोलिक चर्च के जनसंपर्क अधिकारी फादर मारिया स्टीफन ने बताया कि आर्क बिशप कार्निलियो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल देश में ईसाइयों के खिलाफ हिंसा के ज्वलंत मुद्दे को संज्ञान मिले। उन्होंने कहा कि हमारी प्रार्थना सभाओं को भी धर्म परिवर्तन समारोह का कहा जाता है और हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए जाते हैं। ललितपुर पहुंची कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की है और अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। बता दें कि नया गांव के 50 वर्षीय भोगीलाल पाल की एक खाद्य दुकान के बाहर कतार में खड़े होने के दौरान हृदय गति रुकने से मृत्यु हो गई। जानकारी के मुताबिक वो 2 दिन से खाद खरीदने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। वहीं आज पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे कांग्रेस महासचिव ने किसान के घर में लगभग 40 मिनट बिताए और परिवार को आश्वासन दिया है कि वो न केवल उचित मंच पर इस मुद्दे को उठाएंगी बल्कि हर संभव मदद भी करेंगी। उन्होंने अन्य किसानों से भी मुलाकात की है और उनकी समस्याओं के बारे में भी हालचाल जाना है। तो ललितपुर पहुंची प्रियंका गांधी और यहां पर मृतक किसान के परिवार से मुलाकात की है, साथ ही साथ उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्हें हर संभव मदद दी जाएगी। इसके अलावा तमाम और किसानों से भी प्रियंका गांधी मुलाकात करती हुई नजर आई हैं। आपको बता दें कि 2022 से पहले प्रियंका गांधी पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रही हैं। हर बड़े मुद्दे पर वो लगातार ट्विटर के माध्यम से सरकार पर हमलावर हैं, साथ ही साथ धरातल पर भी उतरती हुई नजर आ रही हैं। तो ट्रेन के रास्ते ललितपुर पहुंचे प्रियंका गांधी और मृतक किसान के पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया है। प्रियंका गांधी परिवार से मुलाकात के समय भावुक होती हुई भी नजर आई हैं। चर्चा ये हुई कि जो ये 4 परिवार है से 2 लोगों ने आत्महत्या की है और 2 लोग लाइन में खड़े खड़े इनकी मृत्यु हुई है। खाद के लिए लाइन में खड़े थे, खड़े खड़े एक 2 दिन के लिए खड़े थे, 4 दिन के लिए खड़े थे। कहते हैं कि जब लाइन छोड़ते हैं, लाइन छूट जाती है, अगर खाने के लिए घर आए या घर किसी वजह से घर आए तो लाइन छूट जाती है, तो लगातार खड़े रहे। किसी ने एक जन है जिन्होंने खाना भी नहीं खाया था, तो उनकी खड़े खड़े खाद के इंतजार में मृत्यु हो गई।
अब एक पूरी सुविधा होती है सरकार की खाद के वितरण के लिए, तो ये तो स्पष्ट है कि ये पूरी तरह से फेल हो गई है। और फेल क्यों हुई है? क्योंकि जो कालाबाजारी करते हैं वो और अधिकारी और नेता सब साठगांठ कर रहे हैं। और जब आपकी बता रहे थे मुझे कि एक बोरा मिल रहा है 2000 के लिए, एक बोरा खरीदने की कोशिश की इन्होंने। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी गोवा की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दूसरे दिन प्रतिष्ठित मंदिरों के दर्शन करेंगे। इसके साथ ही वो मछुआरों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों के साथ बातचीत भी करने वाली हैं। इसके बाद वो राज्य के तृणमूल कांग्रेस के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और एक मीडिया कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित कर सकती हैं। बता दें कि सीएम ममता बनर्जी आज जिन 3 मंदिरों के दर्शन करने वाली हैं उनमें मौरदौल का श्री महालसा नारायणी मंदिर, प्रियोल का मुंगुशी मंदिर और कुंडुम का तपोभूमि मंदिर शामिल है। आपको बता दें कि 2012 के विधानसभा चुनाव और गोवा में 2014 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की है कि वो 2022 के चुनावों में गोवा के सभी 44 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। गोवा के लिए पार्टी की चुनावी रणनीति ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर तैयार कर रहे हैं। तो गोवा के 3 दिवसीय दौरे पर ममता बनर्जी पहुंची और आज 3 मंदिरों में वो दर्शन पूजन कर सकती हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस बार एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है। हर साल पिछले दीपोत्सव का विश्व रिकॉर्ड टूट रहा है, इस बार भी इतिहास दोहराया जाना तय है। अब के साल दीपोत्सव में 9 लाख दीपों से सरयू का श्रृंगार किया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या शहर में 3 लाख अतिरिक्त दीपक भी जलाए जाएंगे। इस तरह कुल 12 लाख दीपों को एक साथ जलाया जाएगा, जो एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। पर्यटन के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि इस बार दीपोत्सव को और ज्यादा भव्य बनाया जा रहा है। 9 लाख दिए राम की पैड़ी में लगाए जाएंगे। इसके अलावा 3 लाख से ज्यादा दीपक अयोध्या के प्राचीन मठ मंदिर, कुंडों और चौराहों पर जलाए जाएंगे। इस बार का दीपोत्सव बेहद खास होगा। दीपोत्सव पर 3D हेलोग्राफिक शो, लेजर शो और आतिशबाजी भी कराई जाएगी। इस दौरान श्रीलंका का सांस्कृतिक दल रामलीला का मंचन करेगा और 1 से 5 नवंबर तक विभिन्न साहित्यिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बता दें कि दीपोत्सव का कार्यक्रम 1 नवंबर को होगा। अयोध्या में इस दिन से रामायण कंक्लेव और रामायण शिल्प बाजार भी शुरू हो जाएगा। 1 नवंबर की शाम से सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाना है। तो अयोध्या में दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इस बार एक बार फिर से ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, 12 लाख दीपों को एक साथ जलाया जाएगा, यानी कि राम की नगरी अयोध्या एक बार फिर से जगमग होती हुई नजर आएगी। तो सरयू तट भी जगमगाता हुआ नजर आएगा। 12 लाख दीपों को एक साथ जलाया जाएगा, जिससे अयोध्या नगरी की जो रोशनी है वो विश्व भर में फैली हुई नजर आएगी। तो दीपोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 1 नवंबर से 5 नवंबर तक ये पूरा समारोह चलेगा, ये उत्सव चलेगा। इसके अलावा यहाँ पर रामलीला का भी मंचन किया जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट्री भी यहाँ पर दिखाई जाएंगे। क्या महत्व है इस नगरी का, तमाम लेजर शो भी इसमें दिखाए जाएंगे। ये तस्वीरें आप पिछले दीपोत्सव की देख रहे हैं। भव्य दीपोत्सव भी पिछले साल हुआ था, कोरोना काल में। हालांकि मुश्किल था, लेकिन यूपी सरकार ने करके दिखाया और इस बार भी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। आजमगढ़ से लौटते समय बाराबंकी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत हुआ। बता दें कि अखिलेश यादव 2 दिवसीय पूर्वांचल दौरे पर थे, जहां वापस लौटते समय बाराबंकी के हैदरगढ़ क्षेत्र में भारी संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं बाराबंकी की। वापस लौटते समय बाराबंकी में उनका भव्य स्वागत किया गया है। अखिलेश का जोरदार स्वागत यहाँ पर किया गया। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे, वहाँ की जनता मौजूद रही और आप देख सकते हैं वापस लौटते समय बाराबंकी में किस तरह से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भव्य स्वागत किया जा रहा है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव तमाम जगहों का दौरा कर रहे हैं। 2022 चुनाव को लेकर पुरजोर कोशिश लगातार जीतने की जा रही है। अलग अलग दावे, अलग अलग वादे तमाम जनता से करते हुए नजर आ रहे हैं।
महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर आरोप लगाए। इस पर अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नवाब मलिक के आरोपों पर उनसे सवाल पूछे हैं। एनसीबी अधिकारी ने पूछा है कि अगर समीर वानखेड़े काशिफ को जानते हैं तो नवाब मलिक कोई तस्वीर, कोई वीडियो या कॉल डेटा रिकॉर्ड क्यों नहीं शेयर कर रहे। नवाब मलिक किसी भी अधिकारी को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने को कहने वाले कौन होते हैं। एनसीबी अधिकारी ने कहा कि किस कैपेसिटी में वो कार्रवाई करने को कह रहे हैं, क्या उनकी मंशा है कि लोगों को ट्रैक किया जाए। अगर काशिफ खान सेक्स रैकेट में शामिल हैं तो मुंबई पुलिस इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुंबई पुलिस ने जो SIT बनाई है उसके सामने काशिफ खान को क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक ने इसके पहले भी ऐसे कई सवाल पूछे और बाद में भाग गए। जैसे समीर वानखेड़े दुबई गए थे इसका कोई प्रूफ नवाब मलिक ने नहीं दिया। एनसीबी अधिकारी ने आगे कहा कि समीर वानखेड़े अपनी बहन के साथ मालदीव्स गए थे और वहां फिल्मी सितारों से मिले थे, इसका भी कोई सबूत नवाब मलिक ने नहीं दिया। समीर वानखेड़े के पिता ने अपना धर्म बदला था, इसका कोई भी एफिडेविट या कन्वर्जन डॉक्यूमेंट नवाब मलिक ने नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि नवाब मलिक परसेप्शन बैलेट लड़ रहे हैं, मीडिया में आकर सिर्फ आरोप लगा रहे हैं लेकिन कोई भी सबूत शेयर नहीं कर रहे। मिर्जापुर से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां पर एक निजी स्कूल के प्रिंसिपल ने सजा के तौर पर एक बच्चे को स्कूल की इमारत की पहली मंजिल से उल्टा लटका दिया, जिसके बाद से ही बच्चे की लटकती हुई फोटो और बड़ी संख्या में उसे देखते हुए बच्चों की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मामले में जिलाधिकारी प्रवीण कुमार लक्षर ने संज्ञान लेते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी को मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। उन्होंने प्रिंसिपल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराने का भी आदेश दिया है। जानकारी के मुताबिक घटना जिले के अहरौरा के सद्भावना शिक्षण संस्थान जूनियर हाई स्कूल की है, जहां स्कूल के प्रिंसिपल मनोज विश्वकर्मा कक्षा 2 के एक छात्र सोनू यादव पर खाने के दौरान शरारत करने के लिए उससे नाराज हो गए और गुस्से में आकर उन्होंने बच्चों को एक पैर से पकड़कर स्कूल की इमारत की पहली मंजिल की बालकनी से लटका दिया ताकि उसे अन्य छात्रों के सामने सबक सिखाया जाए। वहीं बच्चे के चीखने और माफी मांगने के बाद प्रिंसिपल ने उसे खींच लिया। वहीं इस घटना की तस्वीरें सामने आने के बाद से ही हड़कंप मचा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, क्या ये सही है? स्कूल में एक प्रिंसिपल द्वारा इस तरह का बर्ताव, एक मासूम को सिर्फ इसलिए सजा दी जा रही है क्योंकि उसने खाना खाते समय शरारत की, उसे पहली मंजिल से उल्टा लटका दिया है। हाथ छूट सकता था, बच्चा नीचे गिर सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन शायद प्रिंसिपल साहब को इस बात का अंदाजा नहीं रहा। भले यूपी सरकार भ्रष्टाचार को लेकर सख्त नजर आ रही हो लेकिन बावजूद इसके अधिकारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद से सामने आया है, जहां एक मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिरोजाबाद के खाद निरीक्षक पर 80,000 रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा दिया है। वही मामले में फूड इंस्पेक्टर के सहयोग से 80,000 की रिश्वत लेने से पहले ही पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ कर दिया। तो खाद निरीक्षक पर रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगे हैं। आपको बता दें कि सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि जो भी भ्रष्ट कर्मी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी शायद ये अधिकारी या कर्मचारी ऐसे हैं जिन पर इसका कोई असर नहीं पड़ता है। बावजूद इसके अधिकारी रिश्वत लेने से बाज नहीं आते हैं। मामला फिरोजाबाद से सामने आया, जहां एक मसाले के डिस्ट्रीब्यूटर ने फिरोजाबाद के एक खाद निरीक्षक पर 80,000 रुपए की रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगा दिया है। वही मामले में फूड इंस्पेक्टर के सहयोग से 80,000 की रिश्वत लेने से पहले ही पुलिस ने इस मामले का भंडाफोड़ कर दिया है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। अपनी मांगों को लेकर सहारनपुर में कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी और पेंशनर्स अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन चालू करने की मांग कर दी है। वहीं मांगे पूरी ना होने पर अगली बार लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की चेतावनी भी देती है। सहारनपुर की तस्वीरें आप देखेंगे, पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग लगातार की जा रही है, धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इनका सीधे तौर पर कहना है कि उनकी मांगे तुरंत मान ली जाए, अगर ऐसा नहीं होता तो ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। दरअसल सहारनपुर में कर्मचारी, शिक्षक अधिकारी और पेंशनर्स अधिकार मंच के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। प्रदर्शनकारियों ने मामले में NPS को समाप्त कर पुरानी पेंशन चालू करने की मांग की है। वहीं मांगे पूरी ना होने पर अगली बार लखनऊ में प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन की
चेतावनी भी दे दी है, यानी कि ये प्रदर्शन खत्म होने वाला नहीं है। जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा, और अगर ज्यादा समय लगा तो फिर लखनऊ में सीधा प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी 11 सूत्रीय मांग को लेकर सभी हम जनपद के जो अधिकतम विभाग हैं सभी इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर, और मुख्य मांग हमारी पेंशन की है। सरकार जो है ना समानता की बात करती है, जहाँ पर विधायक एमपी जो हैं वो पेंशन ले रहे हैं, पुरानी पेंशन से लाभ पा रहे हैं, वही हमारे नए कर्मचारी हैं उन्हें जो ना एनपीएस में रखा गया है, जिसकी जो पैसा इकट्ठा होता है उसका पता ही नहीं कहाँ है। तो हमारी मांग है कि जब विधायक एमपी जो पुरानी पेंशन ले सकते हैं, और तो हमारे नए से जो कर्मचारी हैं, नए कर्मचारी उन्हें पेंशन दी जाए। कुशीनगर जिले के तमकुही राज तहसील के उपजिलाधिकारी एआर फारूकी के स्थानांतरण के बाद नए उपजिलाधिकारी डॉक्टर छेदीलाल सोनकर ने तहसील का कार्यभार संभाला है। वहीं पहले दिन तहसील आगमन पर मीडिया के सवालों पर नए उपजिलाधिकारी ने कहा कि हमारी प्राथमिकता तहसील टीम के साथ अच्छा काम करने की है, जिससे आम लोगों को न्याय मिल सके, साथ ही तहसील न्यायालय सुचारू रूप से चल सके। कुशीनगर की तस्वीरें, नए उपजिलाधिकारी डॉक्टर छेदीलाल सोनकर बने हैं, और मीडिया से मुखातिब होकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्राथमिकता है कि हम तहसील के कामों पर सबसे ज़्यादा ध्यान दें, ताकि आम जनता को राहत मिल सके, आम जनता की जो समस्याएं हैं उनका जल्द निस्तारण हो सके। गौना में अचानक टैंकर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि टैंकर में स्प्रिट भरकर ले जाई जा रही थी, वहीं इस बीच अज्ञात कारणों के चलते इस टैंकर में भीषण आग लग गई। वहीं टैंकर चालक ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, गौंडा की तस्वीरें देर रात की बताई जा रही है, जहाँ ड्राइवर ने टैंकर से कूदकर अपनी जान बचाई है। अज्ञात कारण बताए जा रहे हैं आग लगने के, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, पूरा टैंकर जो है वो जलकर राख हो गया है। स्प्रिट भरकर इसमें ले जाई जा रही थी, और तभी अचानक बीच रास्ते में चलते टैंकर में भीषण आग लग गई। किसी तरह ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई है। अमेठी में खेत जोतने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वहीं ये विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट होने लगी, जिसमें एक पक्ष से महिला समेत 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को पास के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहाँ 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुटी हुई है। अमेठी की तस्वीरें, मामूली विवाद को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए हैं, महिला समेत 9 लोग मारपीट में घायल हुए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। फिलहाल सभी को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बिजनौर में बदमाशों का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला साकेत कॉलोनी का है, जहां दिन दहाड़े कुछ अज्ञात बदमाशों ने एक महिला के सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए हैं। वहीं इस वारदात से आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया है। मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बिजनौर की तस्वीरें, जहां पर महिला की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, और महिला को गोली मारकर हत्यारे मौके से फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश भी की जा रही है। थाना कोतवाली के साकेत नगर मोहल्ले में लगभग 10 बजे एक अज्ञात महिला, जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है, उसकी उम्र लगभग 30 से 32 वर्ष है, किसी ने सिर में गोली मारी, हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और मौके पर मिले मोबाइल फोन के आधार पर स्थानीय लोगों से पूछताछ करके घटना का शीघ्र अनावरण होगा। स्वाट टीम, सर्विलांस टीम एवं अन्य टीमें लगा दी गई हैं। घटनास्थल के सारे साक्ष्य सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। अभियुक्तों की गिरफ्तारी, घटना का नाम एवं महिला की पहचान हद से किया जाएगा। गोरखपुर जिले के चौरी चौरा इलाके में सोनबरसा पुलिस चौकी पर तैनात सिपाहियों के साथ मारपीट करने वाले आरोपी भी पुलिस की पकड़ से दूर हैं। बता दें कि मामले में अब तक सिर्फ 2 आरोपियों को ही पुलिस पकड़ पाई है। खबरों की माने तो रामपुर बुजुर्ग के 15 मील चौराहे पर 22 अक्टूबर की रात शराब पीकर उत्पात मचा रहे आरोपियों को सिपाही प्रदीप कुमार और नीलेश कुमार ने मना किया, जिसके बाद गुस्साए आरोपियों ने उनकी पिटाई कर दी, जिसके बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लेते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं अन्य आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
तो गोरखपुर की तस्वीरें, फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि पुलिस से मारपीट का एक पूरा मामला था। कानपुर में एक नाबालिग को लव जिहाद का शिकार बनाया गया है। बता दें कि एक विवाहित युवक 13 साल की नाबालिग को लेकर फरार हो गया। वही मामले में नाबालिग के परिजनों ने फरार युवक पर नाबालिग को लव जिहाद का शिकार बनाने का आरोप लगाया है। साथ ही मामले में जांच की मांग की है। वही मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी इससे पहले भी 2 शादियां कर चुका है। तो कानपुर का ये पूरा मामला है, जहां पर 13 साल की नाबालिग को लेकर एक शादीशुदा युवक फरार हो गया। परिजनों ने युवक पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। पुलिस इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है और इसी दौरान पता चला कि आरोपी पहले से ही 2 शादियां कर चुका है। कुशीनगर जिले में 2 अलग अलग सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि पहली घटना तरसिया सुजान थाना क्षेत्र के राष्ट्रीय राजमार्ग की है, जहां एक ट्रक ने एक जीप को टक्कर मार दी। वहीं इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग घायल हैं। वहीं दूसरी घटना कप्तानगंज मार्ग राजपुर बगहा गांव की है, जहां एक ट्रैक्टर और कार की आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 8 लोग बुरी तरह से घायल हैं। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फरुखाबाद में एक घर में आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं इस हादसे में एक घर ने रखा सारा सामान जो है वो भी जलकर राख हो गया। फिलहाल आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फरुखाबाद की तस्वीरें, अज्ञात कारणों से घर में भीषण आग लग गई। घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मधुबनी जिले के बबुरही ब्लॉक के 33 जिला परिषद क्षेत्र से जिला पार्षद बनने के लिए मतदाताओं ने फैसला कर लिया है कि वो जय किशोर यादव को 33 बबुरही का पार्षद बनाएंगे। जय किशोर यादव पार्षद बनेंगे तो जिला परिषद क्षेत्र का विकास होगा। जिला परिषद प्रत्याशी ने कहा कि आप सभी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, मेरी सबसे पहली प्राथमिकता शिक्षा और स्वास्थ्य रहेगी। तो मधुबनी की तस्वीरें, जयकिशोर यादव को पार्षद बनाने की पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। तो मतदाताओं ने एकजुट होने पर जीत का फैसला कर लिया है। जिस प्रकार मैं अपनी पंचायत मुरहद्दी का विकास किया हूं, उसी प्रकार मैं 7 पंचायत का विकास करूंगा और हर सुख और दुख में अपने मतदाताओं के साथ तत्पर रहूंगा। 1990 में जो सरकार की, बिहार सरकार की बदली हुई समय में इस गांव को, इस एरिया को प्रखंड मुख्यालय से जोड़ा गया। जहां पुल पुलिया नहीं, वहां पुल पुलिया देकर मुख्यालय तक जोड़ा गया। ग्राम पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव का रामनगर ब्लॉक के भावल पंचायतों में हाल लेने और वोटरों का मिजाज जानने के लिए अलग अलग जगहों पर लोगों से जो प्रतिक्रिया मिली वो आप खुद देख सकते हैं। जैसा कि हर पंचायतों में लोगों की शिकायतें मिलती हैं, वैसे ही यहां भी देखने को मिला है। वहीं यहां के स्थानीय ने बताया कि 5 साल से ज्यादा हो गए हैं, ना सड़कों का निर्माण हुआ है, ना ही नाली बनाई गई है। मुख्यापति ने बताया कि इस पंचायत में जनता को कोई भी लाभ नहीं मिला है। वहीं आज भी इस पंचायत की बड़ी आबादी इज्जत घर के लाभ से वंचित है। यहां के लोग भी बदलाव की बात करते हैं। वहीं वर्तमान मुखिया के कार्यों से यहां के लोग असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। देखिए, मैं इसके पहले भी 2 बार मुखिया इस पंचायत का रह चुका हूँ। इस बार मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। जो गरीबों का हक हकूक दिलाना है, सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं उसी को जनता के बीच पहुंचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रहा, मेरी पत्नी चुनाव लड़ रही है। आपकी चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा तो बहुत सारे हैं। जैसे मैं 10 वर्ष जब मुखिया रहा तो मैं गरीबों के लिए अनाज घर घर बनवाया, राशन कार्ड मैंने घर घर बनवाया, पेंशन कार्ड में जो भी योग्य उत्तर था, बूढ़े था, लाचार था, गरीब था, उसको मैंने बनवाने का काम किया। मकान जो निरीह था, जो गरीब था, लाचार था, उसको देने का काम किया। जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं सबको मैंने धरातल पर समय समय पर उतार कर पंचायत का भी विकास किया, गरीब भाइयों का भी विकास किया। हम ग्राम पंचायत भावल में सर्वांगिक विकास चाहते हैं, जिस चारों ओर से जो है
और हम लोग के मुखिया पूर्व मुखिया जो है 10 वर्ष जो अपना कार्यकाल बिताए हैं, हम लोग वैसा विकास हम चाह रहे हैं, विकास की गंगा बहे, जो विकास के गंगा उसने बहवाया था उसको जो है ये जो मुखिया साइना आरा बनी इस विकास का जो है काम को जहाँ का तहाँ छोड़कर चली गई है, इस चीज़ को फिर से हम लोग चाह रहे हैं कि 10 वर्ष पहले जो हम लोग की पंचायत थी उस पंचायत फिर उसी तरह विकास की लहर में लहरता दिखाई दे। यही पंचायत को चाह रहे हैं कि हमारा पंचायत का आगे बढ़ाया जाए, जो पहले से जो काम हुआ है हमारे गाँव में, पहले मुखिया जी रहे हैं बहुत बढ़िया काम किए हैं, सब लोगों को बहुत रक्षा दिए हैं, उनके लिए सारा जनता लोग तरस रही है, और जो रायफुल खाम आए हैं पंचायत में उनकी बीवी पहले मुखिया थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।